जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर, काव्य शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर है। तो सभी लोग आ जाइएगा, अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, इस लाइव क्लास से पहली बार जुड़े हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। रोज आपके लिए रात्रि में 10 बजे महत्वपूर्ण क्लास लाई जाती है और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि लाइव क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके यहाँ तक जरूर पहुंचे। पहली बार देख रहे हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर यहाँ पर लेकर आए हैं काव्य शास्त्र से संबंधित सिडनी जी, लवली जी, मुकनाथ जी, मनीष जी। आज का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, अनुमितिवाद की अवधारणा किसकी है, ये आपसे पूछा गया है। भट्ट नायक की, विश्वनाथ भट्ट लोलट या फिर संकोक, ये चार विकल्प दिए गए हैं। 40वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बताइएगा क्या होगा सही राइट आंसर। देवव्रत पांडे जी, अनुमितिवाद की अवधारणा पूछा गया है और आप सभी का यहां पर सही राइट आंसर क्या होगा, तो बिल्कुल सही राइट आंसर आ रहा है कि विकल्प नंबर यहाँ पर जो डी है वह सही राइट आंसर है, संकोक। संकोक आप सभी का सही राइट आंसर है। अनुमितिवाद की अवधारणा किसकी मानी जाती है, तो संकोक जी की मानी जाती है, इनका दर्शन न्याय दर्शन माना जाता है। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है 47वां क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण निम्नलिखित में से कौन सा काव्य गुण नहीं है। काव्य गुण नहीं बताने आपके लिए श्लेष, माधुर्य, शक्ति या फिर समाधि, 47 में आपके लिए चयन करना है। बताइए सुनित जी क्या होगा सही राइट आंसर, चयन कीजिएगा। चार विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है और आप सभी का सही राइट आंसर है कि आपसे यहाँ पर काव्य गुण नहीं पूछा गया है, तो शक्ति आप सभी का सही राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर सी। जिन्होंने भी सही राइट आंसर किया उनका सही राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही। देखिए श्लेष, माधुर्य और समाधि काव्य के गुण होते हैं, शक्ति काव्य गुण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 48 आपसे पूछा गया है, भक्ति को रस रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य कौन है। 48 में आपके लिए चयन करना है, मधुसूदन सरस्वती है, जीव गोस्वामी है या फिर रूप गोस्वामी है या फिर वल्लभाचार्य है, बताइएगा क्या होगा सही राइट आंसर, चयन कीजिएगा। अनिल जी भी आ गए हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है। प्रीति जी, तनु जी, नेहा जी, भक्ति को रस रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य कौन है, तो आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर है, विकल्प नंबर डी राइट आंसर होगा, रूप गोस्वामी। रूप गोस्वामी आप सभी का यहाँ पर विकल्प नंबर 4 सही राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। विकल्प नंबर डी जिन्होंने भी चयन किया है, भक्ति को रस रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य रूप गोस्वामी एवं मधुसूदन सरस्वती हैं, और दोनों हैं पर रूप गोस्वामी प्रमुख माने जाते हैं, तो रूप गोस्वामी आपका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही राइट आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 49 पूछा गया है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि पाणिनी ने किस ग्रंथ के द्वारा भाषा को एक रूपता देने का प्रयास किया है। वह ग्रंथ आपके लिए 49 में बताना है, महाभाष्य है कि अष्टाध्यायी है, योग वशिष्ठ है या फिर बृहस्पति नीति सार है, बताइए, चयन कीजिएगा। 49वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और 49 का सही राइट आंसर क्या होगा, और बिल्कुल सही राइट आंसर है 49 में आप सभी का विकल्प नंबर यहाँ पर जो बी है वह सही राइट आंसर है, अष्टाध्यायी आप सभी का सही राइट आंसर होगा। अष्टाध्यायी जिन्होंने भी चयन किया है, पाणिनी ने, पाणिनी का भाषा या ध्वनि को एक रूपता प्रदान करने वाला ग्रंथ अष्टाध्यायी माना जाता है, जो कि 7वीं-8वीं शताब्दी का माना जाता है, तो बिल्कुल सही, ईसा पूर्व 7वीं-8वीं शताब्दी ईसा पूर्व, आप सभी का बिल्कुल सही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 50वां क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित को सम्मिलित करना है, काव्य गुणों को उनके आचारों के साथ सही सम्मिलित करना है, चलिए सम्मिलित कर देते हैं। एक कोड भी आपके यहाँ पर दिए गए हैं, ये आप कोड एक बार देख लें, ये आपके कोड हैं, चलिए सम्मिलित करना है यहाँ पर, शब्दार्थम साहित्यम काव्यम, ये बताना है आपके लिए,
काव्य लक्षण किनका माना जाता है, शब्दार्थ सहितव काव्यम, तो इसके कौन हो जाएंगे, भामय जी हो जाएंगे। विकल्प यहाँ पर ए वाला दो वाला सही राइट आंसर होगा। तद दोषय शब्दार्थ सगुणा वन अलंकार कृति पुनः क्यापि, इसके कौन हो जाएंगे, इसके हो जाएंगे मम्मट जी। मम्मट जी का काव्य कौन है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, इसके तो सभी को पता है विश्वनाथ हो जाएंगे और आचार्य विश्वनाथ हैं। और रमणीयार्थ प्रतिपादक कहा शब्दा काव्यम, ये काव्य लक्षण किनका माना जाता है, तो ये माना जाता है आनंद वर्धन जी का। तो इस प्रकार यहाँ पर सम्मिलित किए गए आनंद वर्धन यहाँ पर आखिरी में, बिल्कुल सही राइट आंसर, बहुत बढ़िया अनिल जी। रामेंद्र जी अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है, यहाँ पर 51वां क्वेश्चन है कि भरत मुनि ने अपभ्रंश को नाम दिया है, बताइएगा क्या होगा सही राइट आंसर। और आप सभी का सही राइट आंसर क्या है, और बिल्कुल सही राइट आंसर है, बहुत बढ़िया सभी लोगों ने यहां पर सही राइट आंसर चयन किया है। क्या चयन किया है, विकल्प नंबर सी, तो बिल्कुल सही राइट आंसर है आप सभी का यहां पर सी, देशभाषा आप सभी का सही राइट आंसर है। भरत मुनि ने अपभ्रंश को क्या नाम दिया है, तो देशभाषा आप सभी का सही राइट आंसर है, विकल्प नंबर सी आप सभी का सही राइट आंसर है, बहुत बढ़िया साधना जी। भरत मुनि में जो है अपभ्रंश को देशभाषा कहा है, जबकि विद्यापति अपभ्रंश से भिन्न प्रचलित बोलचाल की भाषा को देशभाषा इन्होंने कहा है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित ग्रंथ और ग्रंथकारों को सम्मिलित करना, ये ग्रंथ है, ये ग्रंथकार दिए गए हैं यहाँ पर, कूट भी आपके कोट भी दिए गए हैं, चलिए इन कोट की सहायता से आपको सम्मिलित करना है। रस गंगाधर के ग्रंथकार कौन माने जाते हैं, इसके रचनाकार कौन माने जाते हैं, ये बताना है, तो आप सभी का सही राइट आंसर है पंडित राज जगन्नाथ, बिल्कुल सही। साहित्य दर्पण के कौन हो जाएंगे, तो साहित्य दर्पण, दर्पण तो पूरा विश्व देखता है, तो विश्वनाथ हो जाएंगे। काव्य प्रकाश, काव्य प्रकाश तो जो है मम्मट हो जाएंगे। और वक्रोक्ति जीवितम, वक्रोक्ति जीवितम के कौन हो जाएंगे, वक्रोक्ति जीवितम के कुंतक, ये तो आपका सही सम्मिलित है, तो बिल्कुल सही राइट आंसर है, बहुत बढ़िया। यहाँ पर कोट में आपका विकल्प नंबर ए वाला जो विकल्प है भाई, आप सभी का सही राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखिए शिल्पा जी, रौली जी, महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया, संचारी भावों की संख्या कितनी है, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, और क्या होगा सही राइट आंसर। संचारी भावों की संख्या आपसे पूछा गया है, चार विकल्प आपके दिए गए हैं रमा जी, सुमन जी, और आप सभी का सही राइट आंसर क्या होगा, 9, 33, 16, 99। तो सरल क्वेश्चन है मोहित जी, बी वाला विकल्प यहाँ पर सही राइट आंसर लगा देते हैं, 33 जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही। आचार्य भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में रसों की संख्या 8, संचारी भावों की संख्या 33, स्थायी भावों की संख्या 8 और सात्विक भावों की संख्या 8 बताई है। अभिनव गुप्त के अनुसार रसों की संख्या 9 है, अलग अलग विद्वानों ने जो है अलग अलग संख्या मानी है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है 54वां क्वेश्चन है, सिद्धांतकों को उनके चिंतकों को सम्मिलित करना है, सिद्धांतों को, तो चलिए यहाँ पर सम्मिलित कर देते हैं सूची 1 को सूची 2 से, ये आपके यहाँ पर कूट दिए गए हैं। देखिए यहाँ पर सिद्धांत दिए गए हैं, उनके प्रवर्तक इस साइड दिए गए हैं, तो अनुमितिवाद के कौन हो जाएंगे, अनुमितिवाद के तो आप सभी का सही राइट आंसर है, कौन है आप सभी का, बिल्कुल सही राइट आंसर होगा भट्ट संकोक हो जाएंगे। और उत्पत्तिवाद के कौन हो जाएंगे, भट्ट लुल्लट हो जाएंगे, बिल्कुल सही। साधारणीकरण के कौन हो जाएंगे, साधारणीकरण के भट्ट नायक हो जाएंगे। अभिव्यक्तिवाद अभी से अभिव्यक्तिवाद और अभी से अभिनव गुप्त हो जाएंगे, तो इस प्रकार यहाँ पर ये जो है सम्मिलित किए गए हैं। कोड में विकल्प नंबर 1 आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर होगा, सरल है, बिल्कुल सही सम्मिलित किए हैं अंकित जी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 55 क्या पूछा गया है, देखिएगा ये रहा क्वेश्चन नंबर 55, चार विकल्प भी दिए गए हैं। भरत मुनि के रस सूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है,
नहीं बताना है स्थायी भाव का, विभाव का, अनुभाव का या फिर व्यभिचारी भाव का। 55 का सही आंसर चयन कीजिएगा। चार विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं। निशा जी, शेरनी जी, मोहित जी, क्या होगा सही राइट आंसर? सागर जी, भरत मुनि के रस सूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? और सही राइट आंसर है आप सभी का यहाँ पर स्थायी भाव का। विकल्प नंबर एक जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही राइट आंसर स्थायी भाव, जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही राइट आंसर है। भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में रस सूत्र की व्याख्या की है। भरत मुनि का रस सूत्र व्यभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात संयोगात रस निष्पत्ति, इसमें जो है स्थायी भाव का उल्लेख नहीं किया है भरत मुनि ने। तो विकल्प नंबर एक आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 56 पूछा गया है, महत्वपूर्ण है। शब्द की द्व्यर्थी योजना से कौन सा अलंकार होता है बताइए। 56वां क्वेश्चन है, अनुप्रास, वक्रोक्ति, श्लेष या फिर उत्प्रेक्षा। सरिता जी, अनुका जी, क्या होगा सही राइट आंसर? डॉक्टर नीता जी, और आप सभी का यहाँ पर 56 में सही राइट आंसर होगा विकल्प नंबर बी। जिन्होंने भी वक्रोक्ति चयन किया है उनका यहाँ पर सही राइट आंसर है, बिल्कुल सही, विकल्प नंबर बी वाला जो है भाई आप सभी का सही आंसर है। वक्रोक्ति अलंकार, जहाँ पर वक्ता के कथन का श्रोता द्वारा वक्ता के अभिप्रेत आशय से श्लेष अथवा काकु उक्ति से भिन्न अर्थ लगाया जाए वहां वक्रोक्ति अलंकार होता है। इसके जो है वक्रोक्ति में शब्द के दो अर्थ होते हैं, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे 57 पूछा गया है, आचार्यों को उनके सिद्धांतों के साथ सम्मिलित करना है जो कि अपन ने अभी सम्मिलित किया था। चलिए फिर से सम्मिलित कर देते हैं, ये आपके यहाँ पर कोड यहाँ पर भी दिए गए हैं। देखिए, भट्ट लोलट का जो सिद्धांत माना जाता है वह कौन सा माना जाता है रतिपाल जी? तो भट्ट लोलट जी का जो सिद्धांत माना जाता है वह माना जाता है उत्पत्तिवाद, उत्पत्तिवाद माना जाता है इनका, बिल्कुल सही। संकोग जी का माना जाता है कौन सा? अनुमितिवाद। संकोग जी का माना जाता है अनुमितिवाद। और भट्ट नायक का कौन सा माना जाता है? तो भट्ट नायक का भुक्तिवाद माना जाता है, बिल्कुल सही। और अभिनव गुप्त का जो है अभिव्यक्तिवाद ये जो है माना जाता है। इस प्रकार यहाँ पर सम्मिलित किए गए हैं, बिल्कुल सही। कोड में आपका विकल्प नंबर 4 आपके सभी का सही राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही। 4 वाला विकल्प जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका 58 यहाँ पर दिया गया, महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है कि काव्य शोभाय करण धर्म अलंकार प्रक्षते किसकी उक्ति है? उक्ति बताने 58वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया, दंडी, भामय या फिर रुद्रट होगा यहाँ पर या फिर भरत मुनि, बताइए। महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है रोहिणी जी, और आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 58 में। ये जो उक्ति मानी जाती है दंडी जी की उक्ति मानी जाती है, विकल्प नंबर एक जो है भाई आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही राइट आंसर है। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने जिन्होंने भी ये चयन किया है उनका सही राइट आंसर है। अगर ननु शब्दार्थ काव्य पूछा जाता तो ये रुद्रट और विभावानुभाव व्यभिचारी संयोग दृश्य निष्पत्ति ये जो है भरत मुनि, और शब्दार्थ सहित काव्यम ये भामय जी की उक्ति मानी जाती है। लक्षण ग्रंथ का अर्थ है, लक्षण ग्रंथ का अर्थ है नायिका भेद, काव्यांग वेचन या फिर रस निष्पत्ति या फिर गुण दोष। 59 का सही राइट आंसर चयन कीजिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन। प्रमोद जी, क्या होगा सही आंसर? सुभाष जी, राखी जी, सभी के कमेंट यहाँ पर देखते जा रहे हैं। लक्षण ग्रंथ का अर्थ आपके लिए बताना है और काव्यांग वेचन जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही राइट आंसर होगा विकल्प नंबर बी, आप सभी का सही राइट आंसर है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 60 पूछा गया है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अनुमितिवाद के प्रतिष्ठाता कौन है बताइएगा, चयन कीजिएगा। 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं, सभी लोग चयन करिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। रतिपाल जी, बिल्कुल आपको वहां पर नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही होगी,
यहाँ से तो अच्छी क्लास चल रही है। और क्वेश्चन नंबर 60 में आपके लिए चयन करना है अनुमितिवाद के प्रतिष्ठाता कौन है, तो आप सभी का सही राइट आंसर है संकोक माने जाते हैं, विकल्प नंबर सी जिन्होंने अभी चयन किया है उनका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा 60 में विकल्प नंबर सी, आप सभी का बिल्कुल सही आंसर, बहुत बढ़िया। भरत मुनि के रस सूत्र की व्याख्या संकोक ने अनुमितिवाद के सिद्धांत से की है, जबकि ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आनंद वर्धन माने जाते हैं, कोई ऐसी ध्वनि सुनाओ जिससे आनंद की अनुभूति हो, तो ध्वनि संप्रदाय आनंद वर्धन जी का माना जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया 61वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन रस सूत्र का व्याख्याता नहीं है, रस सूत्र के व्याख्याता नहीं बताना है आपके लिए ज्योति जी, बताइएगा संकोक, भट्ट लोल्लट, बामन या फिर अभिनव गुप्ते, तो सही राइट आंसर है आप सभी का यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 61 में क्या होगा राइट आंसर, तो विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर सी राइट आंसर यानी कि बामन, बामन आप सभी का सही राइट आंसर है, बहुत बढ़िया। आप सभी का यहाँ पर सी वाला जो विकल्प है वह सही राइट आंसर होगा, बामन जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही राइट आंसर है। भरत मुनि के रस सूत्र के व्याख्याकारों में चार नाम आते हैं जिनमें भट्ट लोल्लट, संकोक, भट्ट नायक एवं अभिनव गुप्त हैं, जबकि बामन रीति संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं बामन, तो ये तो सभी को पता होगा रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर पूछा गया 62, द प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म किसका ग्रंथ है, क्वेश्चन नंबर 62 में आपके लिए चयन करना है बताइए, आई ए रिचर्ड्स, मैथ्यू अर्नोल्ड, लुकोच या फिर क्रोचे, 62 का सही आंसर चयन कीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और लाइक भी करते जाइएगा संगीता जी, और आप सभी का सही राइट आंसर यहां पर क्या होगा, तो बिल्कुल सही राइट आंसर है 62 में आई ए रिचर्ड्स, आप सभी का सही राइट आंसर होगा, बहुत बढ़िया बिल्कुल सही, विकल्प नंबर 1 आप सभी का सही राइट आंसर है, बिल्कुल सही आंसर आप लोगों ने यहां पर चयन किया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 63 पूछा गया है, लवली जी देखिएगा 63वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित आचार्यों का सही अनुक्रम क्या है बताइएगा, अनिल जी को कौन भूल सकता है, यहाँ पर अपनी क्लास में अनिल जी को कोई नहीं भूल सकता है, और 63 में सही राइट आंसर बताना है क्या होगा बताइए, चार विकल्प दिए गए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और अब कोई भी नहीं भूल पाएगा, बिल्कुल रॉली जी क्या होगा सही आंसर, बिंदु जी चार विकल्प है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, निम्नलिखित आचार्यों का सही अनुक्रम बताना है, बी सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर होगा, भरत मुनि, भामय, अभिनव गुप्त और विश्वनाथ, ये वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही राइट आंसर है, सी जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही राइट आंसर है, बिल्कुल सही बहुत बढ़िया, सी वाला विकल्प आप सभी लोगों ने सही राइट आंसर चयन किया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर अगला क्या पूछा गया है 64वां क्वेश्चन देखिए, 64वां क्वेश्चन की बात करें यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, भरत मुनि के अनुसार काव्य में कुल कितने गुण होते हैं, भरत मुनि के अनुसार बताना है बताइए, अच्छा मनीष जी बिल्कुल, तो आपका नाम लेंगे आप बार बार मनीष जी बिल्कुल, बताइएगा क्वेश्चन नंबर 64 में क्या होगा सही राइट आंसर, भरत मुनि के अनुसार काव्य में कुल कितने गुण होते हैं, और बिल्कुल सही राइट आंसर है आप सभी का यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 64 में 10, बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि भरत मुनि के अनुसार काव्य में 10 गुण होते हैं, विकल्प नंबर 1 आप सभी का सही राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही बहुत बढ़िया, जिन्होंने ये चयन किया है उनका सही आंसर है, देखिएगा 10 गुण एक बार नजर डाल लेते हैं, श्लेष, प्रसाद, समता, समाधि, माधुर्य, ओज, पद, सुकुमार्य, अर्थ, अभिव्यक्ति, उदारता, कांति, ये माने जाते हैं। मम्मट, भामय, आनंद वर्धन ने गुणों की संख्या 3 मानी है, अगर मम्मट, भामय और आनंद वर्धन पूछा जाए
तो तीन ओज गुण माधुर्य गुण प्रसाद गुण प्रसाद, ये जो है तीन गुण माने हैं। बिल्कुल सही राइट आंसर है, भरत मुनि ने 10 मानी है। क्वेश्चन नंबर 65 आपसे पूछा गया, समालोचना दर्श के शीर्षक से एसे ऑन क्रिटिसिज्म का अनुवाद किसने किया है, बताइए। राखी जी बिल्कुल, आपका भी नाम ले लिया राखी जी, और चयन कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 65 का क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्या होगा सही राइट आंसर। और बिल्कुल सही राइट आंसर है यहाँ पर, समालोचना दर्श के शीर्षक से एसे ऑन क्रिटिसिज्म का अनुवाद किसने किया है, और ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। विकल्प नंबर आपका सी जो है सही राइट आंसर है, रत्नाकर, जगन्नाथ दास रत्नाकर आपका यहाँ पर सही राइट आंसर है। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने यहाँ पर सही राइट आंसर चयन किया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखिए समालोचना दर्श का जो है नाम से पदात्मक अनुवाद किया है, 1897 ईस्वी में किया था, तो बिल्कुल सही राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर कौन सा है, 66वां क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारतीय काव्य शास्त्र के प्रमुख काव्य शास्त्रियों का सही क्रम क्या है, सही क्रम आपके लिए बताना है, कौन सा सही क्रम है, चयन कीजिएगा। और आप सभी का सही आंसर है 66वां क्वेश्चन है। अब एक बार लाइक अवश्य कर लेंगे सभी लोग, लाइक अवश्य कीजिएगा सभी लोग जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है, और आप सभी का 66 में सही राइट आंसर है विकल्प नंबर बी जिन्होंने भी चयन किया है, भरत मुनि, आनंद वर्धन, विश्वनाथ और जगन्नाथ, ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। अनंत कुमार जी बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही राइट आंसर है, आनंद वर्धन जो है, भरत मुनि जो है दूसरी सती ईसा पूर्व दूसरी सती ईस्वी के जो है माने जाते हैं, आनंद वर्धन जो है 9वीं सती के मध्य के माने जाते, और विश्वनाथ 14वीं सती और जगन्नाथ 17वीं सती के माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, निम्नलिखित सिद्धांतों को उनके विचारकों के साथ सम्मिलित करना है, चलिए कौन से सिद्धांतिक कौन से विचारक यहाँ पर आपके लिए चयन करना है, ये आपके यहाँ पर कोड भी दिए गए हैं। चलिए देखिए, अभिव्यंजनावाद के कौन हो जाएंगे, अभिव्यंजनावाद के पूछा है देवव्रत जी, बिल्कुल अभिव्यंजनावाद के पूछा है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 67वां क्वेश्चन पूछा गया है, और आप सभी का सही राइट आंसर है अभिव्यंजनावाद के हो जाएंगे कौन, क्रोचे, और अभिव्यंजनावाद के क्रोचे, और अभिजात्यवाद के कौन हो जाएंगे, तो इसके कौन है, तो आपका सही राइट आंसर है T.S. Eliot। अस्तित्ववाद के विचारक कौन हो जाएंगे, तो आपका विकल्प यहाँ पर दो वाला सही राइट आंसर होगा सात्व, विखंडनवाद के कौन हो जाएंगे, विखंडनवाद के माने जाते हैं जॉक डेरिडा, ये माने जाते हैं, तो इस प्रकार जो है यहाँ पर सम्मिलित किए गए हैं। बिल्कुल सही विकल्प नंबर डी वाला यहाँ पर आपका सही राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 68 पूछा गया, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित आचार्यों का सही अनुक्रम बताना है, क्या होगा सही राइट आंसर, बताइए। बताइए चयन कीजिएगा। तो बिल्कुल सही राइट आंसर है आप सभी का यहाँ पर, विकल्प नंबर क्या होगा राइट आंसर, तो विकल्प नंबर यहाँ पर बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि एक वाला विकल्प जो है वह सही राइट आंसर होगा, भामय, दंडी, आनंद वर्धन और अभिनव गुप्त, ये वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। बहुत बढ़िया, जो कि सभी लोगों ने यहाँ पर जिन्होंने भी ए चयन किया है उनका यहाँ पर सही राइट आंसर है, प्रीति जी, उदय जी, विकल्प नंबर एक आप सभी का आंसर होगा सही। देखिए भामय की रचना काव्य अलंकार मानी जाती है, दंडी की काव्यादर्श, आनंद वर्धन के ध्वन्यालोक और अभिनव गुप्त की ध्वन्यालोक लोचन इट्टी का मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर आपसे 69 पूछा गया है, यहाँ पर आपको सम्मिलित करना है अवधारणाओं के साथ उनके संस्थापकों को सम्मिलित करना है, तो देखिए चलिए सम्मिलित कर देते हैं अवधारणाओं को उनके संस्थापकों के साथ, तो यहाँ पर कोड भी एक बार देख लेते हैं फिर इनको सम्मिलित कर देते हैं, और देखिए यहाँ पर आपको सम्मिलित करना है सहृदय,
तो चलिए ये अवधारणा हिस्सा हृदय इसके संस्थापक कौन माने जाते हैं, तो आप सभी का सही राइट आंसर है आनंद वर्धन। आनंद वर्धन आप सभी का सही आंसर होगा। साधारणीकरण के कौन हो जाएंगे, साधारणीकरण के हो जाएंगे भट्ट नायक, और मधुमती भूमिका के कौन हो जाएंगे, तो इसके हो जाएंगे केशव प्रसाद मिश्र हो जाएंगे, बिल्कुल सही। और अर्थ की लय जगदीश गुप्त, अर्थ की लय जगदीश गुप्त इस प्रकार जो है वहां पर सुमिलित किए गए हैं। कोड में आपका बात करें तो विकल्प नंबर सी वाला विकल्प जो है वह सही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर आपसे 70 पूछा गया, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बक्कोक्ति संप्रदाय के विरोधी आचार्य हैं कौन है, चयन कीजिएगा, सभी लोग चयन करेंगे। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, भामय है, आचार्य विश्वनाथ है, रुद्रट है, मम्मट है, इनमें से आपको बताना है 70 का सही राइट आंसर। बताइए मंजू जी, तो आप सभी का सही राइट आंसर है कि वक्रोक्ति संप्रदाय के विरोधी आचार्यों में बात करें तो आचार्य विश्वनाथ आपका सही राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर बी जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही राइट आंसर है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही राइट आंसर आप लोगों ने यहाँ पर चयन किया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 यानी कि 71वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कारित्री और भावित्री प्रतिभा का विभाजन किस आचार्य ने किया है, बताइए, धनंजय ने, महिम भट्ट ने, श्रीहर्ष ने, राजशेखर ने, 71 का सही आंसर सभी लोग बताएंगे। ज्योति जी क्या होगा सही राइट आंसर, शिल्पा जी, कारित्री और भावित्री प्रतिभा का विभाजन किस आचार्य ने किया है, और आप सभी का सही राइट आंसर है क्या, राइट आंसर विकल्प नंबर डी यानी कि राजशेखर, राजशेखर आपका सही राइट आंसर होगा, राजशेखर ने किया है। देखिए काव्य की हेतु तीन माने जाते हैं, काव्य की हेतु तीन माने जाते हैं, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। राजशेखर ने प्रतिभा के दो भेद बताए हैं, कारित्री और भावित्री, बिल्कुल सही राइट आंसर है। कारित्री प्रतिभा कवि में तथा भावित्री प्रतिभा सहृदय में होती है। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 72 पूछा गया है, भाषा और समाज के लेखक कौन है, बताइए, चयन कीजिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है, सभी लोग चयन कीजिएगा, रामविलास शर्मा, देवेंद्र नाथ शर्मा, या फिर धीरेन्द्र वर्मा, या फिर उदय नारायण तिवारी। भाषा और समाज के लेखक आपसे पूछा गया है, 72वां क्वेश्चन है, और हाँ तो बिल्कुल सही राइट आंसर है रामविलास शर्मा, आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर होगा, रामविलास शर्मा जिन्होंने भी चयन किया है विकल्प नंबर एक उनका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। भाषा और समाज के लेखक पूछा गया, मार्क्सवादी समीक्षक माने जाते हैं रामविलास शर्मा। इनकी प्रसिद्ध कृतियों की बात करें, प्रगति और परंपरा, साहित्य और संस्कृति, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा विचारधारा, आस्था और सौंदर्य, भाषा और समाज, परंपरा का मूल्यांकन 1981 की रचनाएं मानी जाती है, ये रचना 1981 की है, परंपरा का मूल्यांकन ये रचना दी गई है मार्क्सवादी समीक्षक आलोचक रामविलास शर्मा जी की। क्वेश्चन नंबर 73 पूछा गया है, काव्य हेतुओं में व्युत्पत्ति का सही अर्थ है क्या है, परिश्रम, शब्द ज्ञान, लोक ज्ञान, या फिर प्रागण पांडित्य, चयन कीजिएगा, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और आप सभी का 73 में सही राइट आंसर होगा। सेनी जी, आशा जी, विकल्प नंबर बी राइट आंसर है, काव्य हेतुओं में व्युत्पत्ति का सही अर्थ है क्या है, शब्द ज्ञान, शब्द ज्ञान आप सभी का सही राइट आंसर है। विकल्प नंबर बी जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही राइट आंसर है, बहुत बढ़िया। काव्य हेतु में मुख्यतः तीन प्रकार के अर्थ माने जाते हैं, प्रतिमा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। यहाँ पर व्युत्पत्ति का सही अर्थ जो है शब्द ज्ञान होगा, तो विकल्प नंबर आप सभी का जो बी वाला विकल्प है वह यहाँ पर राजश्री जी बिल्कुल सही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 74 है, वेदग्धा भंगी वर्णिति किसका सूत्र है, सूत्र कई बार पूछा जा चुका है, बताइए क्या होगा सही राइट आंसर। ये सूत्र पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 74 में, और ये सूत्र है कुंतक जी का, भोज, राजशेखर, या पंडित राज जगन्नाथ,
चयन कीजिएगा, चार विकल्प आपके दिए गए हैं और आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर होगा कि दग्धा भंगी वणिति ए सूत्र माना जाता है किनका, कुंतक जी का। विकल्प नंबर एक आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही, सभी लोगों ने यहाँ पर सही राइट आंसर चयन किया है। कुंतक जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, 75वां क्वेश्चन है, रस गंगाधर में पंडित राज जगन्नाथ ने किस बादशाह की प्रशंसा की है, बताइएगा। 75 का सही राइट आंसर आपके लिए चयन करना है शाहजहां, औरंगजेब, अकबर या फिर बाबर, ये चार विकल्प दिए गए हैं, चयन कीजिएगा क्या होगा सही राइट आंसर। तनु जी बिल्कुल आप भी उपस्थित हैं क्लास में और आप सभी का क्या होगा सही राइट आंसर चयन कीजिएगा। रस गंगाधर में पंडित राज जगन्नाथ ने किस बादशाह की प्रशंसा की है और वह बादशाह कौन है, तो आप सभी का बिल्कुल सही राइट आंसर है विकल्प नंबर एक यानी कि शाहजहां। शाहजहां आप सभी का सही राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने यहाँ पर सही राइट आंसर चयन किया है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने यहाँ पर विकल्प नंबर एक पंडित राज जगन्नाथ शाहजहां के समकालीन थे तथा उनके दरबार में रहते थे, इन्हें पंडित राज की उपाधि शाहजहां ने दी थी। अगर पूछा जाए पंडित जगन्नाथ को पंडित राज की उपाधि किसने दी थी, तो शाहजहां ने दी थी। रस गंगाधर में पंडित राज ने अपने आश्रयदाता शाहजहां की प्रशंसा की है। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर अगला क्या पूछा गया है देखिएगा, 76वां क्वेश्चन है, काव्य अलंकार किसकी रचना है, बताइएगा, चयन कीजिएगा, चयन करना है सभी के लिए, तो राइट आंसर क्या होगा बताते जाइएगा आप लोग भी कि हम हैं क्लास में, हम हैं, देखते जा रहे हैं हम कौन कौन है क्लास में कौन नहीं है। और क्वेश्चन नंबर 76 है और 76 का सही राइट आंसर आपके लिए चयन करना है क्या होगा सही राइट आंसर। काव्य अलंकार रचना पूछा गया है आपसे और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर है ये मानी जाती है भामय जी की, विकल्प नंबर एक जिन्होंने भी 76 में चयन किया भामय उनका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और सभी लोगों ने यहाँ पर सही राइट आंसर चयन किया है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपसे पूछा गया है 77वां क्वेश्चन है कि नाटक को पंचम वेद किसने माना है, अंकित अवस्थी जी भैया आपका भी नाम ले लिया, बिल्कुल बताइएगा 77 में क्या होगा सही राइट आंसर, चयन कीजिएगा। कल्पना जी बिल्कुल आपका भी नाम ले लिया, अब आपका भी मन लगेगा इस क्लास में। मनीष जी बिल्कुल, आखिरी में बताना हम सबके नाम जो है बहुत बार बार लेंगे आखिरी में क्लास की। नाटक को पंचम वेद किसने माना है, 77वां क्वेश्चन पूछा गया है और आप सभी का बिल्कुल सही राइट आंसर आ रहा है यहाँ पर, क्या राइट आंसर 77 में, तो नाटक को पंचम वेद किसने माना है, तो विकल्प नंबर सी आप सभी का सही राइट आंसर है, भरत मुनि ने, भरत मुनि आपका सही राइट आंसर है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने यहाँ पर सही राइट आंसर चयन किया है। बिल्कुल रोहिणी जी, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर आपसे 78 पूछा गया, महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, देखिए यहाँ पर पूछा गया है, काव्य अलंकार संग्रह के रचनाकार कौन माने जाते हैं, सभी लोग बताएंगे क्या होगा सही राइट आंसर। 78वां क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है और क्या है सही आंसर, काव्य अलंकार संग्रह के रचनाकार आपके लिए चयन करना है और आप सभी का सही राइट आंसर है, तो बिल्कुल सही राइट आंसर होगा यहाँ पर 78 में, विकल्प नंबर क्या होगा सही आंसर, उद्भट्ट, भामय, दंडी या बामन, तो आप सभी का बिल्कुल सही राइट आंसर है कि उद्भट्ट लगा दीजिएगा विकल्प नंबर एक में सही राइट आंसर, बिल्कुल विकल्प नंबर एक जिन्होंने भी चयन किया उनका सही राइट आंसर है, आखिरी में एक को नहीं छोड़ेंगे सबके नाम लेंगे आज। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपसे 79 पूछा गया है, देख ले 79वां क्वेश्चन है, आचार्य कुंतक काव्य शास्त्र में किस संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं, बताइए।
और आप सभी का क्या होगा सही राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 79 पूछा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया। आचार्य कुंतक काव्य शास्त्र में किस संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं? औचित्य, वक्रोक्ति, ध्वनि और रीति। तो आप सभी का सही राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 79 में। विकल्प नंबर क्या होगा सही राइट आंसर? तो 79 में आप सभी का बी वाला विकल्प आप सभी का सही राइट आंसर है वक्रोक्ति। जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही राइट आंसर है बहुत बढ़िया। क्रमशः संप्रदाय और प्रवर्तक, देखिए रस संप्रदाय के भरत मुनि, अलंकार के भामा, औचित्य के क्षेमेंद्र, वक्रोक्ति के कुंतक और ध्वनि की आनंद वर्धन और रीति संप्रदाय के बामन प्रवर्तक माने जाती है। बहुत बढ़िया। हाँ आज गांव गए थे जो है और अभी जो है शाम को आ गए हैं वापस गांव से, तो अपनी दो क्लासें आज नहीं हो पाई थी और ये तीसरी वाली जो है 10 बजे वाली जो है आपकी हो चुकी जो है आज आ गए। तो कल इस क्लास को एकांकी में अनवित्ति अथवा संकलन त्रय के अंतर्गत काल स्थान के साथ किसके निर्वाय की गणना की जाती है? तनु जी बताइएगा क्या होगा सही राइट आंसर। बिल्कुल महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पात्र, कार्य, प्रकरी या फिर पताका। तो एकांकी में अनवित्ति अथवा संकलन त्रय के अंतर्गत काल स्थान के साथ किसके निर्वाय की गणना की जाती है? और आप सभी का बिल्कुल सही राइट आंसर आ रहा है विकल्प नंबर बी कार्य। जिन्होंने भी चयन किया है कार्य उनका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। कार्य वाला विकल्प आप सभी का सही राइट आंसर है, बिल्कुल सही। भरत मुनि के अनुसार नाट्य शास्त्र में संकलन त्रय का उल्लेख इस प्रकार है, इनके अंतर्गत काल स्थान और कार्य या वस्तु की गणना की जाती है। पताका, प्रकरी और बीज, बिंदु, कार्य, ये 5 अर्थ प्रवृत्तियां मानी जाती है। 5 अर्थ प्रवृत्तियां पूछी जाती हैं जो कि क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर अगला क्या पूछा गया है देखते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, 81वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन अनुभव का एक भेद है बताइए। अनुभव का भेद माना जाता है निर्वेद, वृणा, उन्माद या फिर आहार्य। चयन कीजिएगा, 81वां क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर क्या है। तो बिल्कुल सही राइट आंसर है यहाँ पर विकल्प नंबर आपका यहाँ पर जो डी है वह राइट आंसर होगा, आहार्य आप सभी का सही राइट आंसर है। आहार्य सही राइट आंसर होगा विकल्प नंबर 4। जिन्होंने भी चयन किया है आचार्य भरत के ग्रंथ नाट्य शास्त्र में यह सूत्र व्याभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादृश निष्पत्ति में अनुभव का वर्णन किया गया है। वाचिक, आंगिक, सात्विक है ये माने जाते हैं। भानुदत्त के अनुसार 4 भेद इस प्रकार माने जाते हैं, कायिक, मानसिक, आहार और सात्विक है ये माने जाते हैं। भानुदत्त के अनुसार निर्वेद, वृणा और उन्मादी ये जो है संचारी भाव माने जाते हैं। अगर पूछा जाए तो निर्वेद, वृणा और उन्माद संचारी भाव। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 82वां क्वेश्चन है, शब्द में जहाँ मूल अर्थ नहीं बल्कि उसका व्यंग्यार्थ अभिप्रेत होता है वह कौन सी शब्द शक्ति होती है? 82 में आपके लिए चयन करना है क्या होगा सही राइट आंसर बताइए। क्या है सही राइट आंसर? और आप सभी का सही राइट आंसर है यहाँ पर बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। सभी लोगों ने यहाँ पर सही राइट आंसर चयन किया है। वेग जी विकल्प नंबर सी आप सभी का सही राइट आंसर है, व्यंजना। व्यंजना आप सभी का सही राइट आंसर है, सी जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही राइट आंसर है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपसे 83 पूछा गया, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि काव्य दोष की परिभाषा इनमें से सबसे पहले किसने दी है? दंडी ने, भामय ने, बामन ने या फिर आनंद वर्धन ने? क्या होगा सही राइट आंसर? नूतन वर्मा जी चयन कीजिएगा, 83वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और 83 में आप सभी का सही राइट आंसर क्या होगा? काव्य दोष की परिभाषा इनमें से पूछा सबसे पहले किसने दी है? तो आप सभी का सही राइट आंसर होगा बामन ने। किन्होंने? बामन आपका विकल्प नंबर जो सी है वह आप सभी का सही राइट आंसर होगा, बहुत बढ़िया। सभी लोगों ने यहाँ पर सही राइट आंसर चयन किया है, बहुत बढ़िया बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे 84 पूछा गया, महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है
कि रस निष्पत्ति के संदर्भ में मुक्तिवाद किस आचार्य का मत है, बताइएगा अभिनव गुप्त का है, संकोप का है, या फिर भट्ट नायक, या फिर भट्ट लुल्लट। 84वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्या होगा सही राइट आंसर 84 में। गणेश जी, रस निष्पत्ति के संदर्भ में भुक्तिवाद के आचार्य का मत है और 84 में आप सभी का सही राइट आंसर है, ये भट्ट नायक का मत माना जाता है, भुक्तिवाद विकल्प नंबर सी आप सभी का सही राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही राइट आंसर आप लोगों ने सी वाला विकल्प जिन्होंने अभी चयन किया है उनका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। इस प्रकार के जो है आज की क्लास में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर थे। सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। रोज रात्रि में 10 बजे इसी तरह रोज जुड़िएगा, रात्रि में 10 बजे और सुबह 9 बजे एक क्लास होती है, उससे भी सभी लोग जुड़ेंगे। एक शाम को 4 बजे स्टूडेंट केयर यूट्यूब चैनल पर क्लास होती है, तो उससे भी सभी लोग जुड़िएगा। अब ये क्लासें आपके लिए जो है रोज मिलेंगी। तो सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आज के वीडियो में बस इतना ही। और यहाँ पर देखिएगा सुषमा जी, अंकित अवस्थी जी, रीमा जी, लवली जी, अनिल जी, विभा जी और सेनी जी, कंचन जी, गणेश जी, पुनीता जी और आशा जी, मिष्टि सिंह जी और मनीषा जी, रमा जी, सेनी जी, सागर जी, मुकनद जी, नेहा जी, तनु जी, मंजू जी, मुनीष जी, पुष्पा जी, साधना जी, निशा जी, देवव्रत जी, मनीष पांडे जी और सागर जी, रामेंद्र जी, मोहित जी, अनंत कुमार जी, संगीता जी, सरिता जी, सूरज सरोज जी और अनीता ठाकुर जी, आस्था जी, मंजू जी, रौली जी, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। पायल जी और साधना जी, पूजा गौर जी और बिंदु कुमारी जी, शिल्पा सिंह जी, डॉक्टर नीता जी और रेणु मलिक जी, निशा वर्मा जी, संगीता जी, रेशमा जी, कन्हैयालाल जी, रीमा जी, कल्पना जी, रमा जी, कंचन जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर सुषमा जी, देवव्रत जी, प्रमोद जी और रजनीश जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल रेखा सरोज जी और चंद्रपाल जी, आशा वर्मा जी, पार्वती जी, लाइक भी करते जाइएगा। सभी लोग लाइक नहीं करते, बहुत सारे लोग तो लाइक अवश्य कर लेंगे सभी लोग। नाम तो अब सबके ले लिए हैं, नूतन वर्मा जी और गणेश जी, जिनके नाम नहीं लिए तो एक बार आप कमेंट में लिख दें तो उनका नाम भी यहाँ पर ले लें। सुमन जी और सीमा जी और रेशमा जी, बिल्कुल सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नितेंद्र चौहान जी, बिल्कुल सागर जी, बहुत बढ़िया, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रमा जी, तो सभी लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और सभी लोगों को जो है लाइक से अवश्य करना है आज की वीडियो में, बस इतना ही। और सभी के लिए शुभ रात्रि। मनीषा जी और सिन्नी जी, सभी के लिए जय हिंद।